जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम ऐश्वर्या, योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 3, इट इज शोरो। आज मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आपको ये जानना होगा कि इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो इस स्टोरी में स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में 5 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट हिडी, सेकेंड मिस्टर सेसमैन, थर्ड डॉक्टर, फोर्थ पीटर एंड फिफ्थ ग्रैंडफादर। तो आइए स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। हिडी जो है वो मिस्टर सेसमैन की फैमिली के साथ रहती है। उस परिवार के सभी लोग हिडी से बहुत प्यार करते हैं और हिडी भी उस परिवार के लोगों से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे वह जगह बिल्कुल नहीं पसंद था क्योंकि वह प्रकृति के बीच रहना पसंद करती थी। द डेज वेंट बाय एंड हिडी लॉस्ट हर एपेटाइट। इसी तरह दिन पे दिन बीतता चला गया और उसने अपनी भूख भी खो दी। इसी तरह एक रात वह बेड पे सोते हुए अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचने लगी कि वह वहाँ पर कितने अच्छे से रहती थी और यहाँ शहर में तो चाहे समर हो या विंटर, यहाँ पे तो बाहर की दुनिया सिर्फ दीवारों से, छतों से और पहाड़ों से भरी हुई है। शहर में तो कोई भी पहाड़ और कोई भी फ्लावर्स दूर दूर तक नहीं देखते हैं। When spring came, जब वसंत ऋतु आती थी तो पीटर अपने गोट्स को लेकर चराने जाता था। पर मैं यहाँ पर अकेली रूम में बैठी रहती हूँ। Every night she dreamed the same dream that she was back at home with her grandfather. हर रात वह यही सपना देखती थी कि वह अपने घर ग्रैंडफादर के साथ चली गई है और वह वहाँ पे प्रकृति का आनंद उठा रही है। एक देर रात की बात है, मिस्टर सेसमैन अपने एक फ्रेंड डॉक्टर के साथ नीचे हॉल में बैठे हुए थे। दे वर प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहे थे। सडनली द डॉक्टर हियर्ड सम नॉइस इन द हॉल। तभी अचानक से डॉक्टर ने एक आवाज़ सुनी। उसने पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। वे दोनों बाहर गए और उन्होंने देखा कि मेन डोर तो ओपन है और वहाँ पे हिडी खड़ी हुई है। तब मिस्टर सेसमैन ने पूछा, व्हाई हैव यू कम डाउन स्टेयर्स चाइल्ड, तुम नीचे क्यों आई हो। तब हिडी ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं नीचे कैसे आई हूँ, मैं तो बस सपना देख रही थी। पर मेरी जब आँख खुली तब मैं देखी कि मैं यहाँ पे मेन डोर पे खड़ी हूँ। तब डॉक्टर ने कहा कि हिडी आप अपने रूम में जाओ। फिर डॉक्टर ने हिडी से पूछा, वेयर आर यू गोइंग चाइल्ड, आप कहाँ जा रहे हो चाइल्ड। तब हिडी ने कहा कि मैं तो बस सपना देख रही थी कि मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ अपने घर वापस चली गई हूँ और मैं वहाँ पर देख रही हूँ कि जब तेज तेज हवाएं चल रही हैं तो पेड़ों की पत्तियाँ बहुत तेज़ी से हिल रही है, लेकिन जब मेरी आँख खुली तब तो मैं यहाँ पे मेन डोर पे खड़ी थी। तब डॉक्टर ने हिडी से पूछा, डू यू नॉट लाइक फ्रैंकफर्ट, क्या आपको फ्रैंकफर्ट नहीं पसंद है। तब हिडी ने कहा, नो। तब डॉक्टर ने हिडी से कहा कि आप जाओ अपने रूम में सो जाओ। फिर मिस्टर सेसमैन ने डॉक्टर से पूछा, व्हाट हैपेंड डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट।
क्या सब कुछ ठीक है? डॉक्टर ने कहा, हाँ वह कल तक ठीक हो जाएगी। वह नींद में चलती है, वह बहुत वीक हो गई है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसे कल घर भेज दीजिए। तब मिस्टर सेल्समैन ने हिडी को घर भेजने का निर्णय लिया और नेक्स्ट डे मिस्टर सेल्समैन ने हिडी को घर वापस भेज दिया। डू यू नो डैट स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? यस, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दुख को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए, उसका उपाय ढूंढना चाहिए। जो हिडी के साथ यहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गई। तो स्टूडेंट्स, हमें किसी भी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, उसे फेस करना सीखना चाहिए। जय हिंद स्टूडेंट्स।